नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि राज्य सरकार हरियाणा के कृषि व्यवसाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मक बनाना चाहती है। इसके लिए हर संभव और हर कदम उठाए जाएंगे। नई हरियाणा उद्यम प्रोत्साहन नीति 2020 में खाद्य प्रसंस्करण से संबंधित उद्योगों को विशेष रियायतें व सहूलियतें दी जाएगी ताकि किसानों को अपनी उपज के दाम और बेहतर मिल सके। उप मुख्यमंत्री आज भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा भारतीय कृषि में वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ाने के विषय पर आयोजित वेबिनार में बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे। उप मुख्यमंत्री ने COVID-19 के दौरान फसलों की खरीद के लिए किए गए प्रबंधों की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कृषि, बागवानी, पशुपालन आदि के क्षेत्र में शिक्षा देने तथा अनुसंधान के लिए भी विश्वविद्यालय खोले गए हैं। राज्य सरकार कृषि क्षेत्र में बदलाव लाना चाहती है। किसानों के अधिक से अधिक उत्पादों का निर्यात करने के लिए सरकार द्वारा हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। आप देखें पल पल की विशेष खबर।